अंतिम समय क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है। यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिसपे पड़ती है, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघु शंका सब छूट जाती है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे और यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। पूज्य श्री गुरु जी का आज का ये प्रवचन हमें सिखाता है कि जन्म से पहले और जन्म के बाद भी हमें किस तरह अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, हमारी आत्मा को कैसी कैसी सजा मिलती है और हमारा शरीर किस तरह इसमें भागीदार होता है, भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है और भगवत गीता किस तरह इस पाप से बचाती है, जानिए इस प्रवचन में राधे राधे। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे परिवार घर शब्द ये सब छूट जाएगा, बड़ी दुर्गति। अंतिम समय क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है, ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता, तो छिपकली बन के आना इसी मकान में रेंगना, पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया उसके परिणाम में। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिसपे पड़ती है। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले जिनके देखने से पेशाब छूट जाए, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघु शंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से इतने वो भयानक है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदयः सृकन् मूत्रम् विमुञ्चति, इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी भुड़क और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देती हुई प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं, बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला, अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता, पर ये सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है कहीं ना कहीं भगवत आश्रय लिया उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांध कर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांध कर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई घुड़कियां, उसे प्यास लगती है, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है, कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल उठता है, भूख प्यास से बेचैन कर दी, पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा, यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, ये कर्म भूमि है। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग, 99,000 योजन मृत्यु लोक से, ये ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं, जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते ही नहीं तो क्या जानूंगा, कहां तिहाड़ जेल, जाओ देखो जाके, आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। तो यहां थोड़ी दया है क्योंकि हृदय है, वहां हृदय नहीं है, वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे, हृदय ही नहीं है। जो यहां दूसरे का मांस खाते है ना, कोलू में पेरे जाते, कोलू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोलू में पेरे जा रहे, मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता, होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, एक योजन का मतलब चार कोष, 99,000 योजन, इतने लंबे मार्ग को दो या तीन मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के दो या तीन मुहूर्त बहुत कम समय, फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में, वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है, जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने ही कष्ट समझते हैं, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे वहां सब हिसाब हो रहा है। यहां
तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता, वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोग आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोग आते हैं। अब वो जन्म लेते हैं, फिर यहां ध्यान से सुनना, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न इनमें वो जीव प्रवेश करता है, और उसे माता पिता दोनों पाते हैं, तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है, एक रात्रि में माँ का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है, पांच रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है, दस रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांस पेशियां बढ़ने लगती हैं, एक महीने में उसके सिर निकल आता है, दो महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, चार महीने में मांसादि सातों धातुएं प्रकट हो जाती, पांचवें महीने में चेतना जागृत हो जाती, जैसे अपने चेतना ऐसे पांचवें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमय जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, छठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है, माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है बोले है अंग, उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है, ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है, माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है, उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती जब माता ऐसे पदार्थ खाती है, गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार ऐसे कंकड़ जैसा ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती, पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है, चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को सबको, जी उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्म उसे याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के, ओहो ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूं, बेचैन हो जाता है कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा, कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन, अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का, तड़पता है वो, सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। देखो स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा, सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो, ये हत्या ऐसी नहीं तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी, ये जो भ्रूण हत्या है गर्भ हत्या है बहुत बड़ा पाप है, आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो, कितना ज्ञान है, बेटी ही माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है, और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं माँ होकर उसका साथ दे रहे हो उसका नष्ट करने के लिए, हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा।
जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है, फिर वो तो बच्चा है। बिल्कुल नहीं, जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा, यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गए हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो, इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। पूज्य श्री गुरु जी के इस प्रवचन को सुनकर अवश्य ही आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको इससे बहुत उपयोगी जानकारी भी मिली होगी, जिसे आप अपने जीवन में उतार कर इसका लाभ ले सकते हैं। पूज्य श्री गुरु जी के मुखारविंद से हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति इसी तरह होती रहे और हम सब अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।